एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। 5 लाख की रिश्वत लेते उपयंत्री गिरफ्तार। सड़क निर्माण बिल भुगतान के एवज में मांगी थी 15,50,000 की रिश्वत। लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने की कार्रवाई। लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने दीपावली पूर्व बड़ी कार्रवाई करते हुए एक उपयंत्री को 5 लाख रुपए की बड़ी रकम बतौर रिश्वत के रूप में लेते गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के महेश्वर के उपयंत्री राहुल मंडलोई के खिलाफ की गई। लोकायुक्त डीएसपी प्रवीण सिंह बघेल से मिली जानकारी के मुताबिक आवेदक ओम प्रकाश पाटीदार निवासी साठकोट तहसील कसरावत ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर राजेश सहाय के समक्ष ये शिकायत की थी कि उन्होंने मैसर्स प्रकाश पाटीदार के साथ मिलकर मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत लोहारी फाटे से सिप्टान एवं निमरानी से बोरवावा रोड तक निर्माण किया था, जिसकी लंबित बिलों का भुगतान करने के एवज में उपयंत्री राहुल मंडलोई द्वारा 15,50,000 रूपए बतौर रिश्वत के रूप में मांगी जा रही थी। उक्त शिकायत का सत्यापन कराया गया। शिकायत सही पाए जाने पर 23 अक्टूबर को आरोपी उपयंत्री राहुल मंडलोई को 5 लाख रूपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया। कार्रवाई में दिनेश चंद्र पटेल, कार्यवाहक निरीक्षक राजेश होरिया, आरक्षक कमलेश परिहार, आरक्षक सतीश यादव, आरक्षक आदित्य सिंह भदौरिया, आरक्षक विजय कुमार एवं चालक शेर सिंह ठाकुर शामिल रहे। एनटीवी टाइम के लिए खरगोन से जितेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। मामला है शिकायतकर्ता ओम प्रकाश पाटीदार, जो कि प्रकाश पाटीदार फर्म के साथ मिलकर ठेकेदारी का काम करता है। इनके द्वारा रोड का निर्माण किया गया। रोड निर्माण के बिलों का भुगतान करने के एवज में मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण महेश्वर के सब इंजीनियर राहुल सिंह मंडलोई द्वारा 15,50,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत दिनांक 16/10/24 को की गई थी। शिकायत का सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज 5 लाख रुपये लेते रिश्वत लेते हुए उपयंत्री राहुल सिंह मंडलोई को फरियादी के घर पर रंगे हाथ पकड़ा गया। प्रदेश अध्यक्ष जिसे पद के होने के बाद भी आपको रिश्वत के लिए परेशान किया जा रहा था, क्या कुछ मामला था? महेश्वर पीआईयू में हमारे द्वारा सड़कों का निर्माण किया गया है, जो कि मेरे खुद के नाम से है। मेरे द्वारा जो काम है उसमें मेरे काम ओम प्रकाश पाटीदार जी को भी सबलेट किए गए हैं। 5/20/2020 के कार्य हैं जिनका भुगतान काफ़ी विलंब हो रहा था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पैकेज हैं जिनकी समय अवधियाँ भी पूर्ण हो चुकी है, लेकिन उनके भुगतान भी सब इंजीनियर के चलते हुए एक डिमांड थी कि मुझे पैसे देंगे तो मैं काम करूँगा, और उन्होंने ये मेरे भुगतान पिछले 2 वर्ष की अवधि से लेकर कोई 8 महीने कोई 6 महीने और मेरे भुगतानों को रोका है दोनों। मैं जानता हूँ कि कोई ठेकेदार इस तरह की कार्रवाई बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद ही कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना भारत सरकार की महती योजना है। ऐसी योजना के ऊपर अगर ऐसी यदि कोई कर्मचारी इस तरह की मांग करता है, तो आपने और क्या क्या प्रयास किए थे इसके पहले? हमने साइट इंचार्ज के अलावा महाप्रबंधक से भी काफ़ी बार निवेदन किया, महाप्रबंधक से ऊपर के अधिकारियों से भी बात की, भोपाल तक अधिकारियों से भी चर्चा की, अंततः हमें कहीं ना कहीं निराशा मिली। और उस निराशा में जब भी हम उच्च अधिकारियों से बात करते थे वो हमको कहते थे कि आपका अधिकारी ये कह रहा है कि आपका काम खराब है, आपने काम नहीं किया है, जबकि इनके द्वारा एसक्यूएम एनक्यूएम सारे टेस्ट करने के उपरांत ही बिल का निर्माण किया जाता है और उसके उपरांत भुगतान होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद, गुणवत्ता पूर्ण होने के बाद भी ये पैसे की मांग को लेकर इस प्रकार की इन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया, मजबूरन होकर हमें ये कदम उठाना पड़ा। क्या लगता है कि ये व्यक्ति ही चैनल आगे तक भी हो सकती है? पूरे समंदर में भांग है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि कौन कौन इसमें शामिल है, लेकिन मुझे उम्मीद थी उच्च अधिकारियों से, रोड कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश के सभी कॉन्ट्रैक्टरों की इस प्रकार की बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको बहुत सारे कर्मचारी और उच्च अधिकारी नज़रअंदाज करते हैं,
कभी उन्होंने ये प्रयास नहीं किया कि महाप्रबंधक और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में हम जाकर तालमेल बिठाएं, या जो कॉन्ट्रैक्टर कंप्लेन कर रहा है उसको जाकर हम स्वयं निरीक्षण करें। उन्होंने ये प्रयास किए बिना ही हमारी बात को खारिज कर देते हैं, जबकि उनको ज़मीन पे आके और इस बात की सच्चाई को जानना चाहिए। हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर झूठ बोलता हो, लेकिन 100% झूठ नहीं बोलता वो, कमी पेशी कार्य में हो सकती है। ये नहीं कहना चाहते हम कि कार्य पूर्ण ही होगा, लेकिन कमी पेशी के बाद भी आप निर्देश देके कार्य को पूर्ण कराकर दोनों में तालमेल बिठा के भुगतान कराया जा सकता है। कितने लाख की मांगी थी इसमें रिश्वत? इन्होंने हमारे से 15,50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके एवरेज में हमारे से चेक पहले मांगे गए, फिर हमें पार्ट पेमेंट करने का कहा गया, फिर कहा कि आप उसमें से 5-5 लाख रुपए देते जाएंगे, मैं आपको चेक वापसी करते चले जाऊंगा, जिसमें 2 चेक मेरे 5-5 लाख रुपए के, 3 लाख रुपए का एक चेक ओम प्रकाश जी का, 3.5 लाख रुपए का, और 1-2 लाख रुपए का, ऐसे करके 15.5 लाख के हमने चेक इनको दिए थे, जिसमें से आज 5 लाख रुपए इनको नकदी राशि दी गई और उसमें से हमको इन्होंने 5 लाख का एक चेक वापस दे दिया। शेष चेक इनके पास 3 अभी भी है। अपन पार्टी के कोई पद पे भी है इसमें? देखिए, सामाजिक कार्यों में रुचि है, पाटीदार समाज का तहसील अध्यक्ष हूँ कसरावत का, भारतीय जनता पार्टी में भी मैं एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ, साथ ही नर्मदा प्रेमी होने के कारण नर्मदा जी का काम भी करता हूँ, और अन्य कई संस्थाएं हैं जहाँ पर हम लोग अपनी जैसा भी समय मिलता है हम सेवाएं देते रहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के बाद में इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से रिश्वत की मांग की जाती है, इसमें पूरे भारत में भी ऐसा कुछ हो रहा होगा रिश्वत की? देखिए, पार्टी का प्रतिनिधित्व अच्छा करने का ही होता है, लेकिन पांचों उंगली बराबर नहीं होती। जिस प्रकार से ये कर्मचारी हैं, ऐसे सारे कर्मचारी भी नहीं होते हैं, और पार्टी पूरा प्रयास करती है कि निष्पक्ष न्यायप्रिय शासन चले, और उसी के चलते हुए इस प्रकार के कुछ लोग होते हैं जो समाज को भी गंदा करने का प्रयास करते हैं और वर्तमान सरकार को भी गंदा करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम? मेरा नाम प्रकाश पाटीदार, निवासी कसरावत, रोड कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़।